कांग्रेस सरकार देगी सबका अधिकार। कांग्रेस सरकार में आदिवासियों के पट्टे वापस, 4,000 रुपए तेंदुपत्ता समर्थन, ओबीसी को फिर से 27% आरक्षण और होगी जातिगत जनगणना। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। रामनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार से चुनावी टी शर्ट, साड़ी, बैनर समेत अन्य सामग्री जब्त की है। इन सभी सामग्री का प्रयोग भाजपा प्रत्याशी राम खेलावन पटेल के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए होने वाला था। मामले में एफएसटी की टीम आगे की जांच कर रही है। प्रदेश में आचार संहिता लागू है और विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी सख्त रुख अपनाए हुए है। रामनगर में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार से चुनावी टी शर्ट, साड़ी, बैनर समेत अन्य सामग्री जब्त की है। इन सभी सामग्री का प्रयोग भाजपा प्रत्याशी राम खेलावन पटेल के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए होने वाला था। मामले में एफएसटी की टीम आगे की जांच कर रही है। रामनगर के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष वासु उर्मलिया ने कहा कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारी सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। जब्त सामग्री नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता राम सुशील पटेल के घर पर जा रही थी। ये हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जब सूचना मिली हमें कि एक सफ़ेद कलर की, इसका नंबर 1000 है और कुछ आगे, तो उस गाड़ी पे कुछ सामग्री, चुनावी सामग्री लदी हुई है, उसमें फाइट वाइट कुछ है, शंका बनी, तो हमने इस गाड़ी का पीछा करा। तो ये जो वर्तमान में भी नगर परिषद की अध्यक्ष थी, उनके पति राम सिंह, उनका घर है, जो उनके घर के पास जब ये गाड़ी पहुंची, वहाँ ये खाली होने वाली थी गाड़ी, तो हमने घेराबंदी की और पुलिस को भी सूचना की। पुलिस मौके पर पहुंची और जब उस गाड़ी पकड़े, देखा कि उस गाड़ी में आपने भी देखा कि भरपूर सामग्री लदी हुई है, फायद उसके अंदर भी खोल के नहीं देखा गया है, ये भाजपा की है। मंत्री जी राम खेलावन जो अभी यहाँ पे वर्तमान मंत्री थे, उनकी सामग्री, और जो चुनाव को तार तार कर रही है, मैंने चुनाव एक नियम होता है सरकार का, गवर्नमेंट का नियम है कि चुनाव में क्या कौन सामग्री वितरित की जा सकती है, उससे परे ही है। ये टी शर्ट और कंबल रजाई बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं, पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार में महिलाओं को मिलेगा 1500 रुपए प्रति माह, 500 में गैस सिलेंडर, हर बेटी के जन्म पर 2,51,000, शादी पर 1,01,000 का अनुदान। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। नारी शक्ति से एमपी शक्तिशाली। कांग्रेस सरकार में महिलाओं को मिलेगा 1500 रुपए प्रति माह, 500 में गैस सिलेंडर, हर बेटी के जन्म पर 2,51,000, शादी पर 1,01,000 का अनुदान। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।